नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट वीकेंड अड्डा में। और आज मार्केट के साथ इकॉनमी का भी एक तड़का आपको इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रोथ के नंबर्स भी हमारे साथ हैं। और ग्रोथ प्लस मार्केट, जो कि बैरोमीटर है एकदम सेंसिटिविटी के साथ जो हमें नंबर बताता है, दोनों को मिक्स करके हम समझने की आज कोशिश करेंगे कि इकॉनमी की हालत क्या है और मार्केट उसको किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपने देखा होगा कि लास्ट वीक मार्केट ने न्यू हाईज बनाए और एक बहुत ही ज़बरदस्त रैली चैलेंजिंग टर्बुलेंट टाइम में आई, जबकि पूरी दुनिया एक्चुअली कहें तो बाइनरी में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत आगे रिस्क हो सकते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, दूसरी तरफ एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ग्लोबल मार्केट में, इंक्लूडिंग इंडिया। तो हमने एक न्यू हाई भी लगाया है और उसके साथ हमारे पास ग्रोथ के नंबर्स भी हैं। दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए आज हमारे साथ जो पैनल में विशेषज्ञ हैं वो दोनों के एक्सपर्ट हैं, यानी मार्केट के भी और इकोनॉमी के भी। मैं आपका परिचय कराता हूँ। पहले हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम सर हैं, मार्केट वेटरन हैं और आजकल बहुत पैनी नज़र से बहुत ज़्यादा हम लोगों को समझा रहे हैं ये। पंकज जैन जी हैं, डब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर, और साथ ही आर के टक्कर सर हमारे साथ हैं, जो यूको बैंक के MD एंड CEO रह चुके हैं। और ये एक ऐसा सेक्टर है बैंकिंग, जिस पर मार्केट की, इकोनॉमी की, रेगुलेटर्स की, सरकार की, सब की बहुत पैनी नज़र है, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सारे बदलाव हम लोग देखने को पा रहे हैं, तो उनको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही SKN वेंचर्स के सुशांत कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत क्विकली मैं नंबर्स आप लोगों के सामने रख दूँ। जो पहली तिमाही के नंबर्स हमारे सामने आए वो 6.7% आए हैं, अनुमान के लगभग बराबर। और अगर आप इसको क्वार्टरली देखेंगे, एनुअली देखेंगे, तो ये एक एडजस्टमेंट नंबर यहाँ आप देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले के नंबर्स बहुत हाई ग्रोथ पे थे, लेकिन अब एक ऐसा लगता है कि एडजस्टेड नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप इसके अंदर के नंबर जाके देखेंगे, तो चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, माइनिंग का हो, या इवन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो, अच्छी ग्रोथ उसमें देखने को मिल रही है। तो ये नंबर्स और प्लस हमारा मार्केट जो उसको पहले सेंस कर लेता है, उनको जेल करके देखें, समझें, तो ये कैसे लग रहे हैं। सुनील सर, आपसे शुरू करते हैं, तो दोनों को मिक्स आज कमेंट्री चलेगी, कैसे लगे आपको नंबर्स प्लस मार्केट उसको कैसे रीड कर रहा है? देखिए, ओवरऑल आई थिंक बाय एंड लार्ज RBI ने 7.1, मगर एक एक्सपर्ट्स का सर्वे लिया गया तो उसमें 6.85 और जो नंबर जो आई है 6.8 के करीब, उसका मैं समझता हूँ उतना ज्यादा फर्क नहीं है। तो यस, 7.1 से कंपेयर करें तो नेचुरली 6.8 30 बेसिस पॉइंट नीचे है, वो एक बात है। सेकेंड बात ये आपको अभी ध्यान रखना चाहिए कि कॉम्पोजिशन ऑफ दिस, तो वहां पे आप देखेंगे कि साफ दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ऐसी प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे नंबर्स अच्छी आई है। शायद अग्री में थोड़ी कम है, वो सी चीजों में थोड़ी कम है, तो वो मार्केट के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अग्री का डायरेक्ट कोरिलेशन मार्केट को नहीं होता है। तीसरी बात है कि हर बार एक FI की आंखों से देखे तो शायद एक होता है उम्मीद के माफिक, दूसरा होता है बाकी देश के माफिक, बिकॉज अल्टीमेटली उनका एलोकेशन की बात होती है। और इस क्वार्टर में भी हमने चाइना को धो डाला, उनके तो 4-4.5 के आसपास आए, हमारे तो उससे करीबन 7% 8% ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत एक मे बी RBI की 7.1 में क्या गणित में क्या डिफरेंसेस आई, क्यों, ये थोड़ा विश्लेषण होगा और देखेंगे क्यों RBI ने 6.8 को ही नहीं प्रेडिक्ट किया, क्यों 7.1 किया, वो एक बात होगी। पर उसके अलावा इस हालत में 6.8 भी बहुत बेहतरीन ग्रोथ है, और उसमें खास करके मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ अच्छा रहना स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। तो मेरे ख्याल में इसमें स्टॉक मार्केट में ज्यादा कुछ रिएक्शन इस डेटा के कारण, कोई बदलाव इन लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट या नॉमिनल GDP भी 9.8% के करीब आई है, तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट नॉमिनल GDP को बीट करती है, तो डबल डिजिट प्लस रिटर्न स्टॉक मार्केट से अभी भी निवेशक उम्मीद रखेंगे। तो इसीलिए मेरे ख्याल में ये उतना एक मार्केट को हिलाने वाली GDP का डेटा इस बार उतना नहीं है। ओके, टक्कर सर, GVA का नंबर देखेंगे तो इम्प्रूव्ड है वो, 6.4 के अनुमान के सामने 6.8, लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं क्वेश्चन के रूप में जोड़ रहा हूँ। पहला क्वार्टर इलेक्शन का साल था हमारे लिए, पूरा क्वार्टर एक्चुअली उससे इम्पैक्टेड था, और अगर आप देखें तो नंबर एक तरीके से लगता है कि आप स्ट्रीमलाइन होते हुए दिख रहे हैं, कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नंबर हुए, लेकिन पहले क्वार्टर में अगर इस तरह का नंबर आ रहा है, और वो भी इसलिए क्योंकि उस क्वार्टर में इलेक्शंस थे, बहुत सारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हालांकि उसके इंटरनल नंबर अच्छे हैं, फिर भी स्पेंडिंग इम्पैक्टेड थी, प्राइवेट ग्रोथ के नंबर इम्पैक्टेड रहे होंगे,
तब आप इसको देखते हुए आपको ये नंबर कैसे लग रहे हैं? देखिए आज जो आंकड़े आए हैं एज पर, जैसे सुनील जी ने बोला, एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशंस ही थे ऑलमोस्ट, जो कि एस्टिमेट थे 6.7 6.8 के आसपास के थे और एग्जैक्टली पे आया है। उसका जो अगर आप देखिए, जैसे आपने कहा कि लास्ट क्वार्टर में गवर्नमेंट स्पेंडिंग में फर्क आया बिकॉज इलेक्शन की वजह से, तो लोगों को ये था भी शायद इस बारी जो ग्रोथ है वो उसको हिट हो सकती है। और जो मेन कंसर्न था मार्केट का वो था रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और फॉर्चुनेटली जब जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग ने अच्छा काम किया है। उससे जो ये ग्रोथ है उसको सस्टेन करने के लिए, ये एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो एक पीछे थोड़ा सा एक मैं कहूँ कि अनइवन सा चल रहा था, कभी लगता था कि ग्रोथ आ रही है, कभी लगता था नहीं शायद अभी, क्योंकि वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा दिख नहीं रही थी, उस पर थोड़ा कंसर्न था। तो ये उसको एक पुश देगा मैन्युफैक्चरिंग कि जो ओवरऑल हमारी कंट्री की प्रोडक्शन है, इकोनॉमी है, वो अच्छा करे। और जो एक एग्रीकल्चर का थोड़ा एक आई थिंक सेटबैक है कि उसमें अभी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है, बट होपफुली अभी मॉनसून अभी तो अच्छा है, जबकि एक उसमें इशू ये है कि अनइवन मॉनसून आ रहा है, वो तो हम कई सालों से देख रहे हैं अब कि मॉनसून वो कंसिस्टेंट नहीं रह गया कि पूरे देश भर में एक जैसा है, कहीं अच्छा कहीं खराब। तो उसका इम्पैक्ट अगर थोड़ा ठीक रहा तो एग्रीकल्चर ग्रोथ भी आएगी, तो ये एक अच्छी फिगर है। और जो दूसरा एक और जो बेनिफिट जो हमें जो शायद गवर्नर साहब ने, रिजर्व बैंक ने ये भी बोला कि जो इन्फ्लेशन है वो भी अब थोड़ी मॉडरेट हो रही है, जो कि आरबीआई के जो एक कंफर्ट लेवल के अंदर होती है उसके अंदर आ रही है, तो वो एक भी एक इकोनॉमी को हेल्प करेगा। और जो ग्रोथ हमारी एक लार्ज बेस, अब बेस भी बढ़ गया है, तो उसको सस्टेन करने के लिए ये एक अच्छी खबर है। ओके पंकज जी, आपको कैसे लगे नंबर, क्विक रिएक्शन आपका इस पे? नंबर्स मेरे हिसाब से, नीरज जी नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन द शो। जी नीरज जी, नंबर्स काफ़ी स्टडी हैं, और जिस तरह का अभी मैं चर्चा कर रहा था किसी एक्सपर्ट से कि जो हमारा फिगर आया है, जो 6.7 का फिगर आया है, एक्सपेक्टेड लाइंस पे फिगर रहेगा, और इसको अगर हम एक्सप्लोर करें कि जो पूरे ईयर का जो आरबीआई का एस्टिमेट है 7.2% का, क्या उस लेवल तक इन फिगर्स के आसपास से हम पहुँच पाएंगे? तो आई थिंक एट एंड ऑफ द ईयर टोटल ईयर में भी ये अनुमान माना जा रहा है कि 7% से हो सकता है थोड़े से डेसिमल पॉइंट हम नीचे बने रहें, बट इसमें अगर हम विजविज इक्विटी मार्केट बात करें, विजविज अपने कैपिटल मार्केट बात करें, तो आई थिंक काफ़ी एनकरेजिंग नंबर्स हैं। जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आई थिंक काफ़ी स्टडी हैं, अगर बहुत ज़्यादा गंगो नंबर्स नहीं है, काफ़ी स्टडी नंबर हैं। जो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के नंबर्स देंगे, आई थिंक वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिले हैं। माइनिंग के नंबर्स काफ़ी स्टडी नंबर्स देखने को मिले हैं। आई थिंक जो एक डिसअपॉइंटमेंट है, एक एक्सपेक्टेड डिसअपॉइंटमेंट थी, आई थिंक एग्री और सर्विसेज में, क्योंकि जिस तरह का इलेक्शन सिनेरियो था, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग डेफिनेटली कम थी पिछले क्वार्टर में, और एग्री को लेके किसी तरह, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो वेदर कंडीशन भी थी पिछले क्वार्टर में, काफ़ी सीरियस समर वेदर कंडीशंस थी। तो आई थिंक काफ़ी एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं, इसमें कोई भी एक नेगेटिव जर्क नहीं है, एंकरेजिंग नंबर्स हैं। और मेरे को लगता है अगर हम इकोनॉमी या मार्केट की तरह एक्सपेक्टेशन करें कि मार्केट का किस तरह रुझान होगा सोमवार को, आई थिंक मार्केट इसको पॉजिटिवली देखेगा। तो आई थिंक काफ़ी एंकरेजिंग नंबर्स हैं, एंड आई थिंक मार्केट जिस तरह एक्सपेक्ट कर रही थी, स्टडी लाइन पे, एक्सपेक्टेड लाइन पे नंबर्स हैं ये। ओके अच्छा, दो तीन आप लोगों ने नाम लिए तो मैं बताऊँ। कंस्ट्रक्शन ग्रोथ जो है ईयरली बेसिस पे 8.6 से बढ़कर 10.5% है, माइनिंग ग्रोथ 7 से बढ़कर 7.2%, और मैन्युफैक्चरिंग 5 से बढ़कर 7%, बहुत सिग्निफिकेंट तेजी है इसमें। और इलेक्ट्रिसिटी की ग्रोथ 3.2 से बढ़कर 10.4%, डेफिनेटली वो समर सीजन था तो पीक डिमांड वहाँ पर रही होगी। एग्री की जो बात करें उसको मैं एक पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं सुशांत जी आपके पास आता हूँ। एग्री ग्रोथ जो है YOY 3.7 से घटकर 2%, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.6 से बढ़कर 2%। तो क्या इसको ये इसका एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है क्या कि पिछले साल Q1 में नंबर्स बहुत अच्छे थे, फिर वो डिटेरिएट होते रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और Q4 में आकर के वो बॉटम बना और वहां से अब Q1 में इंप्रूवमेंट हुआ, एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है ये? बिल्कुल, देखिए एग्रो और जो आजकल जो लेटेस्ट आया एग्रो टेक के साथ, लॉट्स ऑफ IITs आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड, बहुत सारा चीज टेक्नोलॉजी आया, ब्रिक्स नेशन के साथ इंडिया का एक लेवल बढ़ा है, एंड इंडियन करेंसी इज गोइंग अक्रॉस, सो लॉट्स ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी जो आया एग्रो में, दैट इज द
मेन राइज ऑफ द ग्रोथ एंड ऑल्सो थोड़ा सा जो गिरावट आई है थोड़ा सा आगे पीछे, आप जो थोड़ा सा इन्फ्लेशन देख रहे हो उसमें बहुत सारे स्टेडी प्लेयर्स आ रहे हैं एग्रो में. फॉर एग्जाम्पल रिटेल में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इंडिया में आ रहे हैं, लाइक आइकिया, वॉलमार्ट काइंड ऑफ बड़े बड़े स्टोर्स जो खोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रो एंड ऑल्सो इन इन होम आवर, जैसे रिलायंस अदर इंडस्ट्री जो भी ग्रुप्स है वो एग्रो एंड अडानी जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स तो अपने हिसाब से जो एग्रो में ग्रोथ करवा रहे हैं, तो इस बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये आ रहा है. एंड सेकेंड मैं मानूंगा कि बिकॉज और एक सबसे बड़ी रीजन है कि हमारा जो करेंसी इज गेटिंग एक्सेप्टेड अक्रॉस ग्लोबल, ये तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी के इन्फ्लक्स के वजह से एंड आवर इंडिया का भी अपना भी जो टेक्नोलॉजी है उसके वजह से ये बहुत बड़ा सा ग्रोथ दिख रहा है. तो मैं ये बोलूंगा टेक्नोलॉजी मेजर फैक्टर इसमें. जी अच्छा, अब मैं थोड़ा सा दूसरे साइड से भी तो सवाल पूछ लूं. सुनील जी, ये नंबर तो डेटेड है, 3 महीने पुराने है ना, अभी जुलाई और अगस्त 2 महीने और निकल चुके हैं. अभी ग्राउंड का चैनल चेक एक्सपीरियंस आपका क्या कहता है? देखिए और ये भी एक बात मैं कहूंगा कि शायद गवर्नमेंट यही नंबर को रिवाइज भी करे बाय एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि वो भी हर बार होता है ना बिल्कुल. कि तो हमारा इंडिया में डेटा कलेक्शन और ये इतना परफेक्ट सिस्टम नहीं है, वक्त लगता है, एडजस्टमेंट लगता है. तो मेरे ख्याल में उतना ज्यादा उस डेटे के ऊपर हमें उतना ध्यान नहीं देना है ब्रॉड लेवल पे. अरे 6% से 7% से 3% गिर गई, ऐसी बात से ध्यान नहीं रखना चाहिए. ये थोड़ा आगे पीछे वाली बात ये चलने चाहिए. सेकंड बात जो हम कह रहे हैं ना, देखिए अग्री में हम कह रहे हैं कि बहुत कम है, मगर अगर फूड इन्फ्लेशन हाई है तो समझिए कि अग्री में जो इनकम्स उसके कारण बढ़नी चाहिए, तो शायद वो फ्यूचर में आके डिमांड को बढ़ेगी. फिर मानसून अच्छा रुझान हो गया तो उसके कारण भी रूरल में ट्रैक्टर की परचेज से लेकर सब वो भी बढ़ सकती है. फेस्टिवल सीजन भी सामने आ रही है, तो मेरे ख्याल में एक डेटा पॉइंट को हमें एक कंटिन्यूइंग बेसिस पे देखना चाहिए कि इस क्वार्टर में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगले क्वार्टर की क्या. जैसे आपने कहा आधा क्वार्टर तो चल चुका है, तो अब मार्केट ऑलवेज आगे सोच रही है, तो उनको शायद अभी नेक्स्ट डेटा उनको देखना चाहिए कि क्वार्टर की अर्निंग सीजन, क्योंकि अर्निंग सीजन के रिजल्ट आते हैं जीडीपी के पहले ही, तो उसी से इकोनॉमिस्ट बनाते हैं एक तरह का प्रोजेक्टेड जीडीपी फॉर नेक्स्ट क्वार्टर ना. और मैं कहूंगा कि इकोनॉमिस्ट की प्रोजेक्शन वाज क्लोजर टू रियलिटी देन आरबीआई प्रोजेक्शन. तो ये बात क्योंकि उनके पास कंपनियों का डेटा ऑलरेडी आ चुका है और उससे वो मायना रखा रहे ना. तो मेरे ख्याल में ये नॉर्मल ऑनगोइंग चीजें, ये कोई खास इस क्वार्टर के लिए अलग बात नहीं है. खाली इलेक्शन एक वन ऑफ इवेंट था और समर बहुत भारी था तो उसके कारण थोड़ी बहुत दिक्कत आई. उसके अलावा मैं कहूंगा कि अगले क्वार्टर का पिछले साल सेम क्वार्टर के साथ कंपेयर करना ठीक होगा, लाइक होगा. यहाँ पे उतना नहीं था, लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में इलेक्शन नहीं था, तो वो लाइक टू लाइक कंपेरिजन अगले क्वार्टर के लिए बहुत और भी मीनिंगफुल रहेगा. ओके टक्कर से थोड़ा इसको मैं आपसे और समझता हूँ. अभी हम लोग जो मार्केट को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी जो कंपनीज B2C सेगमेंट में है वो हमें ये बताती हैं कि रूरल डिमांड पिकअप हो रही है, अर्बन में जो प्रीमियम डिमांड है वो स्टेबल है, जैसे पहले चली थी कोविड के बाद से धुआंधार वैसे ही चल रही है. लेकिन अर्बन की जो इकोनॉमिक डिमांड है, इकोनॉमी सेगमेंट वाली, वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन रूरल में पिकअप आया है. अब इसको मैं इन टर्म्स में आपसे समझने की कोशिश करूँ कि पिछले 2 महीने में ये, चूंकि ये नंबर तो अब 3 महीने पुराने हैं, लास्ट 2 मंथ्स में आपने ग्राउंड पे क्या देखा है? क्योंकि बहुत सारी कमेंट्री डाइवर्स भी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं थोड़ी दिक्कत भी है इकोनॉमी में. देखिए आप जो कह रहे हैं मैं काफी हद तक उससे सहमत हूँ. हम जिक्र करते हैं दोनों का, अर्बन का और रूरल इकोनॉमी का. अर्बन के अंदर थोड़ा सा ठहराव सा आ गया है. उसका एक इंडिकेटर होता है जैसे हम कहते हैं पैसेंजर ऑटो सेल्स, अगर हम देखें तो उसमें काफी गिरावट आई है. तो एक बड़ा ब्रॉड सा इंडिकेटर है, इट कैन बी द ओनली इंडिकेटर, लेकिन एक उससे एक आइडिया मिलता है. और जो लोगों की इनकम लेवल्स हैं, जो डाटा आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि वो इनकम अभी स्टेगनेंट हो गई हैं, जो इंक्रीज हो रहा था वो नहीं हो रही. अब बात आती है रूरल डिमांड की. अभी एक्सपेक्टेशन भी यही है कि जो रूरल डिमांड है वो हमारी इकोनॉमी को या जीडीपी की ग्रोथ को सस्टेन करेगी. उसके लिए अभी जो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, मानसून का जो इस बारी है
अच्छा मानसून आया है, लेकिन उसका अनइवन जरूर है, जरूर है, और कई जगह जैसे फ्लड वगैरह जैसे हम देख रहे हैं गुजरात में काफी हालात खराब हैं, उस पे कितना असर रहेगा आई थिंक इस पे फर्क पड़ेगा। ये जो हम 2 महीने की बात कर रहे हैं इसमें ये कुछ चैलेंजेस आए हैं, लेकिन रूरल जो इकोनॉमी है जो डाटा भी आया है वो ऑल्दो जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन के मतलब जैसा था कि अराउंड 4 से 5% इंक्रीज होना चाहिए, इतना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ग्रोथ है। जैसे आपने बताया अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो वो 0.6 से 0.7 से 2% इस बार जो है उसमें आया है, तो वो अगर वो ग्रोथ को ये मोमेंटम मेंटेन होता है तो वो एक इकोनॉमी को पुश देगा, और जो रूरल डिमांड है काफी उसका एक वेट रहता है हमें ग्रोथ को उसको सस्टेन करने में। तो होपफुली आने वाले ये जो 1 महीना रह गया है और जो अगला क्वार्टर है, जैसे दूसरे वक्ता ने बताया कि फेस्टिवल सीजन भी है, तो थर्ड क्वार्टर आई थिंक काफी अच्छा चलना चाहिए। ओके अच्छा चलिए, सुशांत आपको कैसा लग रहा है, क्या नंबर में कोई आगे जाते हो? अगर इसी नंबर को एक्सट्रापोलेट करें, मान लीजिए एक्सेल में डाल दीजिए इसी को नंबर को, तो आपको दिखेगा। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 2 महीने में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। ग्राउंड पे आप जाके देखेंगे तो आपको पीवी सेल्स के नंबर अलग दिखेंगे, टू व्हीलर के नंबर में बहुत अच्छी ग्रोथ है, हालांकि अभी भी वो प्री कोविड से 85% पर ही पहुंचे हैं, उसको ब्रीच नहीं कर पाए हैं। क्रेडिट ग्रोथ देखेंगे तो अलग कहानी बत रही है। लास्ट 2 मंथ्स में आप लोग बहुत इंटरेक्शन कर रहे होंगे, कैसा दिख रहा है? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज इंडिया का इंट्रा ग्रोथ एक है, फॉर एग्जांपल इन हाउस कंजम्पशन काफी बढ़ा है एंड प्लस द एक्सपोर्ट। हम लोग इस इंटर एपिसोड में थोड़ा सा हमें ये जरूर रखना कि बहुत सारे जगह में बी इट यूएस यूएसएसआर यूक्रेन वॉर लीजिए या कुछ भी लीजिए रशिया यूक्रेन, मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी इज अनस्टेबल, इंडिया इकोनॉमी बहुत स्टेबल है। उसी की वजह से बहुत सारे जगह में आप देख सकते हैं कि इंडिया का इन हाउस जो होम ग्रोन ग्रोथ है बहुत बढ़ा हुआ है। इट इंक्लूड्स एग्रो, इट इंक्लूड्स यू नो मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड एक्रॉस। तो ये वाला चीज आपको जो आप कह रहे हो जरूर इसमें चेंजेस आया हुआ है एंड इट डेफिनेटली इट्स गोइंग टू अफेक्ट। एंड प्लस हमारा जो एफडीआई का जो बेनिफिट मिला है इंडिया को, अगेन आई एम टेलिंग यू बिकॉज इंडिया इकोनॉमी इज गोइंग इन अ वन साइडेड, बाकी सारे इकोनॉमी अलग तरीके से जा रहे हैं। इट्स बिकॉज ऑफ दिस एंड लॉट्स ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ एनआरआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड दैट हैज गिवन राइज टू द प्राइस यू नो चैलेंजेस एंड प्राइस कॉम्पिटेटिव प्राइस ऑल्सो। उसके वजह से कंजम्पशन बहुत हाई हुआ है। आप किसी भी सेक्टर ले लीजिए, नॉट ओनली एग्रो, आप रिटेल ले लीजिए, आप मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, आईटी ले लीजिए, हमारा जो इस तरीके से जो ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है इसमें इसमें नंबर आपको और भी बढ़ोतरी दिखेगा 1-1.5 महीने का। पंकज जी, इकोनॉमिक बातें बहुत हो गई, आते मार्केट पे। आप लोग कहते हैं हमेशा कि 6 महीने आगे देख के चलता है मार्केट, तो ये जो नंबर आए हैं इसको देख के मार्केट चल रहा है या लिक्विडिटी के दम पे चल रहा है? पंकज जी, आई थिंक नीरज जी, इसका जवाब तो ये है कि मार्केट का खैर बेसिक कैटलिस्ट, बेसिक स्टेरॉइड तो लिक्विडिटी है। जिस तरह का फंड्स मनी अवेलेबल है आज के दिन, चाहे वो एसआईपी के फॉर्म में हो, म्यूचुअल फंड के पास हो, एचएनआई हो, फैमिली ऑफिसेस से हो, आई थिंक दैट इज द बेसिक स्टीरियोइड फॉर दिस मार्केट। एंड उसमें मैं कहूँगा कि अगर हम देखें कि जिस तरह के नंबर्स आ जाए हैं, इफ़ वी टॉक विद रेलेवेंस टू दिस जीडी नंबर, जीडीपी नंबर्स, आई थिंक ये ऐसे बिल्कुल भी नंबर नहीं है कि जो उस पे किसी भी तरह का ब्रेक लगाएं या उस पे किसी भी तरह का थमाव लगाएं या डेंट लगाएं। आई थिंक नंबर्स काफ़ी इंकरेजिंग है। अगर हमारे मार्केट रिलेटेड देखिए, आई थिंक मार्केट को मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आई थिंक काफ़ी इंकरेजिंग लगे, दैट इज वॉट मार्केट वॉन्ट्स। जिस तरह के रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के नंबर्स हैं आई थिंक काफ़ी इंकरेजिंग नंबर्स देंगे, माइनिंग के नंबर्स काफ़ी इंकरेजिंग नंबर्स। तो अगर हम मार्केट के व्यू पॉइंट से देखें आई थिंक इन 3-4 नंबर्स की ज़्यादा रेलिवेंस है इक्विटी मार्केट को, बजाय से सर्विसेज नंबर के, एग्री के नंबर्स के, जो कि एक एक्सपेक्टेड थे कि एक डाउनवर्ड टिक देखने को मिलेगा। उसके अलावा हमारे को नहीं भूलना चाहिए कि जो पिछले 2 महीने रहे हैं, जो इस नंबर में डाटा नहीं दिख रहे, या आने वाले जो 2-3 महीने हैं, जिस तरह की बड़ी अच्छी मॉनसून हमारे देश को देखने को मिली है, इसकी जरूर आने वाले वक्त में हमारे को एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। फेस्टिवल सीजन आने वाले वक्त में देखने को मिल रहा है। और अगर हम देखें कि पिछले 1-1.5 महीने से ही, मैं अभी आज के फिगर जी फ्लैश आउट होते हुए देख रहा था, इवन एफआईआई के नंबर अब स्पोरेडिकली काफी डिसेंटली पॉजिटिव होने लगे। अगर आज का नंबर देखें 5,000 करोड़ की एफआईआई की तरफ से बाएंगे, सो डोमेस्टिक
प्लस एफआई आई थिंक लिक्विडिटी का जो एक कॉम्बिनेशन हैगा, ये कॉम्बिनेशन काफी पॉजिटिव है। और जिस तरह क्वार्टर वन नंबर्स आए हैं हमारे इंडस्ट्री के, काफी एनकरेजिंग नंबर्स थे। ओनली थिंग दैट व्हाट इज हैपनिंग इज, जो कि एक डेफिनेटली एक बुलिश मार्केट में होते हैं, एक चर्निंग चल रही है, एक चर्निंग चल रही है, सेक्टर चर्निंग चल रही है, स्टॉक चर्निंग चल रही है, एंड इट इज नॉट अ वेरी सीरियस रॉकेट साइंस टू विजुलाइज की चर्निंग कहाँ का पैसा कहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो अगर उस चर्निंग में अगर आप सही क्वार्टर में सही सेक्टर्स में हैंगे तो यू आर स्टिल इन फॉर वेरी डिसेंट ब्यूटिफुल राइड इन दिस स्टॉक मार्केट। और मेरे को नहीं लगता कि अभी ऐसा वक्त आ गया है कि हम मेजर पैसा मार्केट में प्रॉफिट बुक करके कैश इन हैंड में बैठे। ठीक है, चर्निंग करनी चाहिए, यू शुड रोटेट योर पोर्टफोलियो, बट अभी मेरे को नहीं लगता बिल्कुल भी ऐसा वक्त है या ऐसी हिम्मत है कि वन शुड सिट आउटसाइड विद कैश अपना प्रॉफिट बुक करके। सो आई थिंक हे डेज गुड डेज आर, जैसा कि अभी दिन में प्रधानमंत्री कह रहे थे, आई थिंक बेस्ट डेज बेस्ट मंथ्स आर स्टिल टू कम फॉर द इक्विटी मार्केट। कैश कॉल लेंगे तो अंडर परफॉर्मर हो जाएंगे। सुनिए, छोटा सा इनपुट है। हाँ बोलिए। छोटा सा इनपुट है, रियल एस्टेट में आपने नोटिस किया होगा गुड़गांव में, यू नो दैट 12 करोड़ हाउसिंग गॉट सोल्ड इन टू डेज। व्हाट यू टोल्ड इज वेरी करेक्ट, द रियल एस्टेट इज बूमिंग अप लाइक एनीथिंग इन जस्ट टू डेज। अच्छा, जो तेजी वाले उनके लिए मैं एक और अच्छी खबर बता दूं, कोर डेटा भी आया आज, जो कि मंथ ऑन मंथ डेटा ही आता है। उसमें जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हम लोग ट्रैक करते हैं, उसमें वो टोटल इंडेक्स जो है 5.1 से बढ़कर 6.1 है, और ख़ास तौर पे कोल प्रोडक्शन थोड़ा सा घट गया है इसमें, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ऊपर था, उसका बेस बहुत ऊपर था। लेकिन आप सीमेंट प्रोडक्शन देखें तो मैसिव ग्रोथ है, 2 से बढ़ के 5.5% आ गई है। स्टील प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ के आया है यहाँ पे, फर्टिलाइजर ग्रोथ बहुत बढ़ के आई यहाँ पे। लेकिन सुनील सर, क्या इस मार्केट जिस रफ्तार से चल रहा है, इसको, इस ग्रोथ को वो जस्टिफाई करेगा आगे आने वाले समय की? देखो, हम तो इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि ये ग्रोथ आ रही पीछे से, या फिर एक बहुत बढ़िया लॉजिक जो हम लोग पिछले 3 साल से दे रहे हैं कि पैसा बहुत आ रहा है, पैसा आ कहाँ से रहा है ये तो मुझे आज तक नहीं पता चला, लेकिन आ रहा है, बहुत जबरदस्त पैसा आ रहा है, ये उसी की दम पे ग्रोथ चलेगी। तो क्वेश्चन क्या है नीरज जी? क्वेश्चन ये कि मार्केट का जस्टिफिकेशन क्या होगा इस रैली का? जस्टिफिकेशन ऑफ रैली ये है कि डिफरेंट प्लेयर्स जो मार्केट में है वो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का ग्रोथ का आउटलुक को डिस्काउंट करते हैं, राइट? तो सॉवरेन वेल्थ फंड 10 साल की ग्रोथ के आउटलुक को देकर पैसा डाल रहा है, म्यूचुअल फंड 3 से 5 साल में डाल रहे हैं, मार्जिन ट्रेडर्स, हेज फंड शायद 3 महीने से लेकर 2.5 साल तक के टाइम फ्रेम में डाल रहे हैं। तो हर एक का आउटलुक डिफरेंट होता है। तो और जो 10+ साल वाला निवेशक है उसके लिए जो भी करेक्शन आती है बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो ये मिक्स ऑफ प्ले जो हो रहा है ना, उसके कारण आप मार्केट की वैल्यूएशन की बात करते हैं सिर्फ एक ही जगह से, 1 ईयर फॉरवर्ड PE, और उस 1 ईयर फॉरवर्ड PE को हम हिस्टोरिक 1 ईयर फॉरवर्ड PE से कंपेयर करते हैं और बाकी देशों के 1 ईयर फॉरवर्ड PE से कंपेयर कर रहे हैं, राइट? ये सिंपल सी बात है। और मार्केट की महंगाई या सस्ता होना इन्हीं दोनों चीजों से कंपेयर होता है। अब हिस्टोरिक कंपेरिजन से ये देखिए कि इक्विटी मार्केट ऑलवेज लीड इंडिकेटर होता है ग्रोथ का, यानी जब इक्विटी मार्केट की वैल्यूएशन हाई हो तब एक्चुअल ग्रोथ आती है, यही है हिस्टोरिक कहना कि इक्विटी मार्केट एक लीड इंडिकेटर है। तो मार्केट अपने पूरे कंबाइंड इंटेलिजेंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट वहां से आंकड़े निकालती है अपना, एक देश की आउटलुक के ऊपर, कंपनीज के आउटलुक के ऊपर, और उसको आज प्राइस देती है। तो मार्केट को गलत कहना, फ्रॉम सावधानी से सोचकर हमें मार्केट को गलत कहना चाहिए, वही बात। दूसरी बात है कि बाकी देश के कंपेरिजन में अगर देखें तो ये वैल्यूएशन ऑलवेज महंगी लगती है, क्योंकि ग्रोथ का जमीन आसमान का फर्क है। आज सेकेंड बेस्ट ग्रोइंग नेशन, लार्ज साइज नेशन चाइना, इंडिया 4.7 वर्सेस 8.7% रिटर्न ग्रोथ में कितना फर्क है, तो उसका मार्केट को वैल्यूएशन में कितना फर्क देना चाहिए कौन कह सकता है, वो एक चीज है। तो मेरे ख्याल में क्या मार्केट की वैल्यूएशन सही है कि नहीं, इसमें हमें ध्यान देना चाहिए शॉर्ट टर्म प्लेयर्स जो कि ये ग्रोथ को, आंकड़े को नहीं देखते हैं। उनके लिए होता है प्ले में करेंसी, उनको होता है प्ले में क्रूड, क्योंकि यह चीज के कारण उनकी वैल्यूएशंस में इंपैक्ट आती है, नॉट द स्टॉक मार्केट।
करेंसी के कारण उनका या ऑयल के कारण इंडिया का इन्फ्लेशन लेकर या ट्रेड डेफिसिट फिस्कल में उसके असर, तो वो चीज आपके मार्केट को एक वैल्यूएशन के लेवल से उठा दिए गिरा दिए। ये ग्रोथ के आंकड़े के कारण नहीं होती है, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, समझिए। तो अगर वो हम देखें तो क्रूड का प्राइस का आउटलुक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल सही लग रहा है, नॉर्मली विंटर में क्रूड को बढ़ना चाहिए, पर इस बार यूएस की इलेक्शन के कारण अमेरिका सावधानी से वहां इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए अपने रिजर्व स्टॉक से सप्लाई को बैलेंस कर रही है, और इसलिए जियो पोलिटिकल होते हुए भी तेल का दाम कहीं दौड़ नहीं रहा है, वो एक नेगेटिव फैक्टर इंडिया के लिए जो हो सकता था इस विंटर के माहौल में नहीं हो रहा है। दूसरी बात है करेंसी की बात, अब येन रेट के टाइम में एक शॉक आई, मगर उसके अलावा देखिए अगर यूएस में इन्फ्लेशन घट रहा है और रेट कट की उम्मीदें बढ़ रही है तो डॉलर वीकन हो रहा है तो रुपी का स्ट्रेंथ नहीं होगा, तो एक शॉर्ट टर्म निवेशक हेज फंड बाहर से जब इंडिया को देखता है कि स्टेल ऑयल का स्टेबल है और करेंसी का भी स्ट्रेंथनिंग के चांस, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथनिंग, यानी जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल यूएस और इंडिया में 3% है, लॉन्ग टर्म करेंसी का डिप्रिसिएशन 3% मान के लेते हैं, अगर 3 से 2.5 ही करेक्ट होने वाला है तो उनके लिए 0.5% करेंसी से गेन समझ लीजिए, तो ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो मार्केट की वैल्यूएशन उसी के ऊपर उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी आंकड़े आके इंडिया की ग्रोथ को घटा नहीं रही, तो क्या वैल्यूएशन सही है ये शॉर्ट टर्म फैक्टर से आप जज कर सकते हैं, पर लॉन्गर टर्म में इंडिया की जो सुपीरियर कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट रही है उसके लिए प्रीमियम एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए तैयार होता है, और उसका एविडेंस आप डोमेस्टिकली देखिए ना, जब एक म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो निकालेंगे एक एफएमसीजी स्टॉक को इतना भयंकर वैल्यूएशन क्यों देते हैं, जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग साइक्लिकल स्टॉक को नहीं देते, क्योंकि सर्टेनिटी ऑफ ग्रोथ और सर्टेनिटी के लिए वो एक प्राइस देने के लिए तैयार है, और इंडिया एज अ स्टॉक एफआई के लिए याद रखिए इंडिया एक स्टॉक है, हमारे लिए देश होगा, एफआईएस के लिए इंडिया एक स्टॉक है, और उस स्टॉक का वैल्यूएशन आता है कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ, कंसिस्टेंसी ऑफ जीडीपी ग्रोथ, वॉलिटिलिटी ऑफ जीडीपी ग्रोथ कम होना चाहिए, जैसे एक एफएमसीसी स्टॉक बिहेव करता है वैसे इंडिया बिहेव कर रही है, तो एक एक्सेस वैल्यूएशन ओवर अदर मार्केट जस्टिफाइड होता है, कितना एक्सेस जस्टिफाइड होता है ये शॉर्ट टर्म क्रूड और करेंसी के फैक्टर्स डिसाइड करेंगे, बस अदरवाइज इंडिया करती है। जी सुनील सर, अभी तो हम लोगों का जो इंडिया स्टॉक है वो एफएमसीजी जैसा बिहेवियर नहीं कर रहा, अभी तो उसका मिड कैप जैसा बिहेवियर है, देखिए जो 10 साल वाला निवेशक है उसका रिटर्न तो 6 महीने में बन जा रहा है सर, करेक्ट, ठीक है, और जो 3 साल 5 साल वाला म्यूचुअल फंड वाला उसका तो 2-2 महीने में बन रहा है, और इंट्राडे की तो पूछो मत, अभी तो सब लोग खुश है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए वैल्यूएशन कोई शायद देख नहीं रहा होगा या वैल्यूएशन के तरीके बदल रहे हैं। लेकिन हम इसमें एक दूसरा थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं, टक्कर सर के पास चलते हैं, क्योंकि उन्हीं के इलाके में सबसे बढ़िया मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं। बैंकिंग सेक्टर पे आते हैं ज़रा, बैंक सेक्टर का जो परफॉर्मेंस Q1 में आया है अगर उसको आप ध्यान से देखें तो उसमें कई सारे पेन पॉइंट्स हैं और वो फैक्चुअल हैं, उसको कोई आप से कोई भी उसको इनकार नहीं कर सकता। PSU बैंक्स का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कमज़ोर हुआ है, प्राइवेट बैंक्स की एसेट क्वालिटी खराब हुई है, Q1Q अगर आप देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम PSU बैंक्स की 0.25% डाउन है और प्राइवेट बैंक की 2.5% अप है, टोटल 0.81% की ग्रोथ है सर। बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है टक्कर सर, आप समझाइए, जो इतनी बड़ी 15-16% की क्रेडिट ग्रोथ चल रही थी अब वो न्यूट्रलाइज होकर नीचे आ रही है, मार्जिन पे प्रेशर है, डिपॉजिट मिल नहीं रहा है और किसी के पास अभी कोई तरीका नहीं, मीटिंग बहुत हो रही है दिल्ली और रेगुलेटर के यहाँ की डिपॉजिट कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन फार्मूला किसी के पास नहीं क्योंकि जो इक्विटी वाला सेगमेंट है वो ठंडा ही नहीं पड़ रहा है। टक्कर सर क्या प्रॉब्लम बढ़ रही है बैंकिंग सेक्टर के लिए? देखिए जो बैंकिंग सेक्टर है जैसे आपने अभी आंकड़े बताए निम वगैरह उनका थोड़ा सा इस बारी इस क्वार्टर में PSU बैंक का नो डाउट डाउन गया है, उसके पीछे जो मेन कारण यही है कि जो डिपॉजिट कॉस्ट है उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स थी वो बढ़ गई है बिकॉज डिपॉजिट की शॉर्टेज थी तो उनको मतलब बेटर रेट ऑफर करने पड़े टू द डिपॉजिटर्स, प्लस जो उनके दूसरे सोर्सेज से जो वो फंड रेस करें जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है उसके ऊपर उनको ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है, और उधर जो लोन बुक है लोन बुक पे
कुछ वो ब्याज बढ़ा नहीं पाए, क्योंकि अभी देखिए तो मेजोरिटी ऑफ जो बैंक के लोन है वो रिपो रेट से लिंक्ड है। ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द जो बैंक का एक लोन पोर्टफोलियो होता है वो रिपो रेट से लिंक्ड होता है, क्योंकि वो रिपो रेट अभी पिछले ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं कि वो कांस्टेंट चल रहा है, तो उसमें कोई बढ़ोतरी के कोई स्कोप नहीं था, तो उससे उनका जो निम था उस पे असर आया। अगर आप और देखें जो प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात कर रहे हैं उनके, यस कुछ इश्यूज आए हैं, बिकॉज जो ये हमने रिटेल लेंडिंग स्पेशली जो अनसिक्योर्ड थी उस पे थोड़ा सा अभी दबाव दिख रहा है, इन द सेंस कि अकाउंट्स रिटेल वाले कई बैंकों में, मैं नहीं कहूंगा कि ओवरऑल इंडस्ट्री में ऐसा छो रहा है, लेकिन कई बैंकों में वहां पे उनके ऊपर लाइक एनपीएस और प्रेशर है कि वो अकाउंट्स खराब हो रहे हैं, तो वो एक कंसर्न है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। और जैसे पीछे अभी फाइनेंस मिनिस्टर और जो रिजर्व बैंक से मीटिंग हुई तो बैंकों को कहा गया है कि वो अपना जो डिपॉजिट है उसको जो नॉर्मल डिपॉजिट होता है एक नॉर्मल कस्टमर से लेते हैं, लेकिन उसमें भी जैसे आपने ही बताया कि इश्यूज हैं, क्योंकि जो पैसा था जो कि नॉर्मली नॉर्मल कोर्स में बैंकों में आया करता था, एक नॉर्मल एक डिपॉजिटर है वो जो भी उसके सरप्लस फंड थे, एक हाउस होल्ड है वो बैंक में जमा कराते थे, लेकिन अभी ये सारा जो आदमी की सेविंग्स है स्पेशली अर्बन और आई थिंक इवन सेमी अर्बन सेंटर्स में, रूरल को छोड़ दीजिए, वो अब ज्यादा जा रहा है स्टॉक मार्केट में जा रहा है, म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है, और जो अदर एवेन्यूज हैं इवन टू सम एक्सटेंट रियल एस्टेट में भी पैसा जा रहा है, तो वो डाइवर्ट हो गया है, तो उससे बैंकों की जो डिपॉजिट की ग्रोथ है उस पर असर आया है। इसीलिए गवर्नमेंट भी कंसर्नड है और बैंकों को कह रही है कि आप कोशिश कीजिए कि और जो आपका जो नॉर्मल जो कोर्स में डिपॉजिट आता है उसकी मतलब इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी तभी सस्टेन हो पाएगी अगर आपका डिपॉजिट ग्रोथ होगी, क्योंकि जो क्या बोले रॉ मटेरियल है लोन्स के लिए वो तो डिपॉजिट ही है, तो ये कंसर्न्स हैं। बट लेकिन अभी बैंकों में अदरवाइज ओवरऑल देखिए तो जो पहले प्रेशर था एनपीएस का उसके लिए जो बैंकों को प्रोविजन करने पड़ते थे वो बड़े हद तक रिड्यूस हो गए हैं, तो उससे वो बैंक के पास अभी वो एक क्वेश्चन अवेलेबल है कि इवन थोड़ा सा अगर डिपॉजिट रेट पे थोड़ा उसको बढ़ाना भी पड़ता है तो वो उसको अब्जॉर्ब कर पाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि इतना कोई मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में थ्रू इशू आ रहे हैं बट मीडियम टर्म में अभी बैंकों की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। टक्कर से मुझे लगता है मीडियम टर्म में भी दिक्कत आ सकती है। कैसे? देखिए देखिए, अभी 6.7% जीडीपी है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि यही हमारी एनुलाइज्ड है, अभी तो Q1 की है, 5% इन्फ्लेशन मान लेते हैं, तो 11.5-12% से ऊपर क्रेडिट ग्रोथ हो ही नहीं सकती, नॉमिनल ही रहेगी, तो जो अभी चल रही वो और नीचे आएगी, लेकिन आपको डिपॉजिट चाहिए कहाँ से भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो हम मुझे लगता है कि 1-2 साल के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका सोल्यूशन साइट में नहीं है। नहीं देखिए, एज फार एज अगर आप देखें लिक्विडिटी के इश्यू जो थे बैंकिंग इंडस्ट्री में, आई थिंक रिजर्व बैंक ने उसको बड़ा अच्छा मैनेज किया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि डिपॉजिट ग्रोथ रेट क्रेडिट ग्रोथ रेट के साथ के टेकअप नहीं कर पाई, लेकिन एज सच बैंकिंग इंडस्ट्री में लिक्विडिटी इश्यूज नहीं आए, वो एक बहुत अच्छा फैक्टर है और ये काफी हद तक मदद करेगा बैंकों को ग्रो करने में। वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि वो क्रेडिट ग्रोथ को सस्टेन 15% जो पीछे एक बार आई उसको सस्टेन नहीं कर सकते। क्रेडिट ग्रोथ अगर आप देखिए नॉर्मल एवरेज 11-12% के आसपास रहनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई बैंकों पे एकदम कोई इशू आने वाले हैं, तो विद दिस प्रेजेंट ग्रोथ रेट एवरीथिंग मैं ये समझता हूँ कि इन द नॉर्मल कोर्स बैंक्स उसको सस्टेन कर लेंगे और सच इंडस्ट्री में कोई इशू वाली ऐसी बात नहीं। जी सुशांत जी, क्विक कमेंट आपका, क्रेडिट ग्रोथ अगर नॉर्मलाइज हो रही है तो डिपॉजिट ग्रोथ कैसे आएगी? आप लोग बैंक बताओ, बैंकिंग सेक्टर कैसा लग रहा है आपको आजकल? देखिए बैंकिंग सेक्टर अब देखेंगे, मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा कि मैं यूएस में भी हेविली इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इंडिया में भी करते हैं। देखिए अभी रिसेंटली रिसेंटली एक इवेंट सुना होगा आप सबने कि केयर हॉस्पिटल गॉट बॉट अप बाय ब्लैक रॉक्स, ठीक है। जो इस टाइप का जो अनइवन इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई से, वो ऑल ऑफ ए सडन डिस्पैरिटी क्रिएट करता है।
बाकी टकर साहब ने जो बोला कि मोस्ट ऑफ द मनी ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर, नॉट द कॉर्पोरेट, द रिटेल इन्वेस्टर इज गोइंग अक्रॉस रियल एस्टेट, अक्रॉस अदर इन्वेस्टमेंट, अदर स्टॉक. सो आज के जमाने में कोई भी इंसान डायरेक्टली इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है, बी इट सेविंग्स बैंक अकाउंट में, एफडी करना, ये सब पुराना हो गया. पुराने जमाने में आप देखते हैं लोगों ने एलआईसी में बहुत पैसा भरते थे. ऑल दो सेविंग स्कीम्स हैज बीन गॉन. सो नाउ सम गुड परफॉर्मिंग बैंक्स, बी इट एचडीएफसी, आईसीआईसी द बिगर वन, द एक्सिस, द यस, थ्री और फोर बैंक्स आर परफॉर्मिंग वेल बिकॉज ऑफ देयर क्रेडिबिलिटी, पीपल आर पुटिंग देयर मनी. इफ यू लुक एट द अदर बैंक्स और द स्मॉल एफडीआई, एंड प्लस द फिनटेक इज ऑल्सो वन ऑफ द की यू नो फैक्टर. फिनटेक क्या कर रहा है आपको देखिएगा, छोटा छोटे लोन्स भी दे रहे हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं. सो आपको इफ यू नोटिस इंट्राडे ट्रेडिंग हैज बीन यू नो बीन कन्वर्टेड इनटू सो मेनी स्मॉल डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. लाइक कहेंगे लोग 5-7 दिन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कहेंगे आजकल लोग टेक का आ गया, इसमें छोटे छोटे ऐप बेस्ड यू नो द सैलरी के पहले आपका इन्वेस्टमेंट हो गया. तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का इन्वेस्टमेंट तरीका ही बदल गया, एंड लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल बकेट्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं रेदर देन पुटिंग इन द ऑल एज ए टुगेदर. आजकल यू नो जस्ट फॉर अ स्मॉल इंटरेस्ट रेट के लिए एफडीआई, सॉरी इफ यू टॉक अबाउट द फिक्स डिपोजिट एंड ऑल, दे आर नॉट पुटिंग एनी मनी एनी मोर. उसके लिए काफी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया. अगेन आई एम टेलिंग यू, अभी रिसेंटली एक टेक ओवर आया हल्दीराम्स के लिए, $10 बिलियन का एक इंडियन कंपनी के लिए. आपको लगेगा 10 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, एट एंड ऑफ द डे थ्रू फंड्स, थ्रू बॉन्ड्स, इस तरीके से आएगा इंडिया में डायरेक्टली इनडायरेक्टली. तो ये सारा जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ऑल ऑफ अ सडन, ये थोड़ा सा इम्बेलेंस क्रिएट किया है, और ये हमेशा रहेगा, थोड़ा टाइम और लगेगा सेटल होने में. इफ यू लुक एट इट ऑन एन एवरेज, एक अमेरिकन सिटीजन का अपना बैंक डिपॉजिट देखना, वो सिमिलर वे में इंडिया में भी होने वाला है. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ही विल इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी विल बी द फिक्स डिपॉजिट और इन द सेविंग्स बैंक अकाउंट. ये थोड़ा सा क्रिएट करेगा, ये थोड़ा सा चैलेंजेस हो सकता है. ये थोड़ा नहीं बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा, क्योंकि बैंकों को अपने बिजनेस मॉडल को रीइन्वेंट करना पड़ेगा. आप कह रहे हैं कि राइट हाँ, HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस 26 से 48% की CAGR से प्रॉफिट बढ़ रहा है, और स्टॉक रिटर्न जीरो जीरो, लिटरली जीरो है. तो दोनों तरह से देखना पड़ेगा आपको कि आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में लेकिन पास नहीं हो पा रहे हैं. तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो है, मतलब इसमें किसकी गलती नहीं, मैं बता रहा हूँ. ये सिचुएशन बन गई है, HDFC बैंक 26% प्रॉफिट ग्रोथ है उसकी 3 साल की, और रिटर्न 3% है, और बजाज फाइनेंस जीरो. सो ये एक बहुत ही पिकुलियर सिचुएशन बनी है बैंकिंग फाइनेंशियल्स के लिए, कैसे से जूझेंगे. और इसके लिए मुझे लगता है बहुत हद तक सुनील जी जैसे लोग जिम्मेदार तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो इतना म्यूचुअल फंड में पैसा मंगा लिया है ना, उधर दिक्कत हो गई सर. चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के आगे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. स्वागत है एक बार फिर से आपका मार्केट स्पेशल अड्डा में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं इकॉनमी और मार्केट की मिक्स, क्योंकि इकॉनमी के नंबर आए हैं ग्रोथ के, तो उसको स्टैंड करते हुए फिर मार्केट पे जा रहे हैं. सुनील सर, अभी हम लोगों ने बैंकिंग की चर्चा काफ़ी की, टक्कर सर ने समझाया, सुशांत का व्यू आया. ये एक ऐसी सिनेरियो बन रही है कि बैंकिंग मिरर करता है इकॉनमी को, और बैंकिंग सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सेक्टर है मार्केट के लिए. इंडाइसेस में भी देखिए या अदरवाइज भी देखिए, आप लोगों के पोर्टफोलियो में देखिए, हर जगह वो, लेकिन वही परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और उसकी प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है. तो मार्केट फिर आगे कैसे परफॉर्म करेगा जब सबसे वेटेज वाला सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है? अभी तो चूंकि बहुत पैसा है तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है. मुझसे ये सवाल? हाँ सर, आपसे. नीरज जी, मैं सुन रहा था तो कह रहे थे ना, हाँ. बात मैं सुन रहा था, तो मेरा भी उस पे दो दो टेका, मैं अपना फीडबैक देता हूँ. हाँ. आप एक एक बात सोचिए, राइट. आज की जो दिक्कतें हैं बैंक के सामने, वो साफ सामने है, राइट. आरबीआई से रिटेल लेंडिंग के ऊपर वार्निंग, कैपिटल एडिक्वेसी का इंक्रीज से लेकर कोविड के बाद जो राहत दिया गया उससे एनपीएस के घटने से अभी नॉर्मलाइज एनपीएस हो रही है. तीसरी बात, लोगों का ध्यान जो बैंक डिपॉजिट और सेविंग्स में था वो अभी म्यूचुअल फंड ऐसे स्टॉक मार्केट की ओर बदल रहा है, इसलिए बैंक्स को दिक्कत हो रही है. सेकंड, रिटेल लेंडिंग में क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है,
बैंक्स उधर रेट इंक्रीज नहीं कर पा रही है, इसलिए उनको डिपॉजिट रेट जितना वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लोगों की इंटरेस्ट नॉन बैंक डिपॉजिट में चल रही है तो निम्न श्रिंक हो रहे हैं। ये सब बातें पब्लिक डोमेन में सामने है, दाम में है। ओके, अब फ्यूचर की सोचिए कि जब इंडियन ग्रोथ स्टोरी के पीछे राइट सबसे बड़ा जो हाथ देने वाली एक सेक्टर है प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, किसी ना एक दिन उसको आगे बढ़ना होगा और तेजी से बढ़ना होगा। अब एक प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जब क्रिएट होता है उसके साथ आप और एक चीज पीएलआई का स्कीम अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे क्षेत्रों में है जहां पे हैवी कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, जैसे पीएलआई का सक्सेस भी आगे बढ़ता है कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा गवर्नमेंट के अलावा। तीसरी बात है सस्टेनेबिलिटी, 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी हमें क्रिएट करना है, उसके लिए कैपेक्स सस्टेनेबिलिटी कैपेक्स का हजारों करोड़ का निवेश होना है। ये सब बातें फ्यूचर में है, आज की कोई कहेगा ये 1 साल में होगा, कोई कहेगा 3 साल में होगा, कोई कहेगा 5 साल में, रहने दीजिए। तो एक ना एक दिन ये होना है, किसी ने इसके ऊपर डाउट नहीं डालना है कि होगा कि नहीं होगा, कब होगा उसी पे डाउट है। अगर वो बात मान लीजिए तब आ जाए ये बात, जब कैपेक्स की कार्यक्रम शुरू होती है ब्रॉड एवरेज रूल होता है कि 70% में बैंक से लोन लू, 30% में अपना इक्विटी डालू। अभी अपना इक्विटी डालने के लिए सभी कॉर्पोरेट्स के पास इक्विटी शेयर प्राइस बढ़ गई है, वो आसानी से राइट्स इशू फॉलो ऑन इशू जो भी करा करा के पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। ये 70% जो बैंक का फंडिंग है वो यूनिक इंडियन फिनोमिनन है। अभी किसी ने अमेरिका की बात की, मेरे को बताया क्योंकि मैं अमेरिकन बैंक में काम किया हूं, उधर क्या होता है कि एक प्राइवेट डेट दैट इज म्यूचुअल फंड की तरह इंश्योरेंस कंपनीज, ये बैंकिंग खाली डिस्ट्रीब्यूटर होती है उधर, डेट का लेंड नहीं करती है। तो वहां पे वो वाला एक कैपिटल मार्केट का सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट सब इतना भयंकर डेवलप हुआ है, तो बैंक को प्रॉब्लम नहीं है, बैंक कस्टमर को मार्केट में जाके लिस्ट करके डिबेंचर्स करके पैसा उठा देते हैं। इंडिया लिए अनफॉर्चुनेटली अपना प्राइवेट कैपिटल मार्केट का ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो अल्टीमेटली जब प्राइवेट ये तीनों कैपेक्स की बात जब शुरू होगी उनको बैंक के पास आके लोन के लिए भीख मांगना होगा भैया, और जब ये होगा ये कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, तो उससे क्या बात होती है, क्योंकि 500 करोड़ 1000 करोड़ देने के लिए कितने बैंक तैयार होंगे एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में उसकी सुनील ट्रेंड सर, अप्रेजल करके इवैल्यूएट करके उसको सुनील सर, मांगना। सुनील सर, इसमें एक क्वेश्चन, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, हाँ एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, मैं खत्म कर लेता हूँ हाँ इसको। जब वो होता है, बिकॉज मैं कॉर्पोरेट बैंक कर रहा हूँ 20 साल के लिए, जब वो लेंडिंग पे आता है ना तो ऑटोमेटिकली रेट्स रीएडजस्ट होती है डिमांड एंड सप्लाई की ओर। अगर बैंक की डिपॉजिट्स नहीं बढ़ रही है तो उनको अपना लेंडिंग रेट्स को बनाना होगा, और कॉर्पोरेट्स के पास चॉइस नहीं होगी, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को इस राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में बैंक्स ऑलवेज अपना निम को एक्सपेंड करती है, ये हिस्ट्री बताती है, जी मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो वो बात मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर में मैं आज भी बायर हूँ बैंकिंग में, इस नेगेटिव न्यूज के माहौल में मैं एक लॉन्ग टर्म विजन रखकर गुड क्वालिटी वेल कैपिटलाइज्ड बैंक्स को खरीदने का बहुत बढ़िया मौका आज मार्केट में है, ये मेरी बात। अब क्या ये अब कुछ कहना हाँ, चाहिए? मेरा एक सवाल है, एक तो पहले तो लॉन्ग टर्म में निम के ऊपर नीचे होने से बैंक के परफॉर्मेंस कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एक अलहदा क्वेश्चन है, इसको साइड में रखते हैं। निम ऊपर नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म में बैंक का काम वैसे चलता रहता है, वो एक हम लोगों को ऐसा लगता है मार्केट वालों को। लेकिन जो आपने क्वेश्चन रखा ना, देखिए डिमांड का एक इशू है अपनी कंट्री में, अगर 80-20 डेट और इक्विटी ले रहे हैं तो जो हमारे प्रमोटर भाई वो पिछले 4 साल से नहीं ले रहे हैं पैसा, मार्केट में ला ही नहीं रहे हैं, और अगर उनको इक्विटी इतनी आसानी से वो रेस कर ले रहे हैं, 5-5 हज़ार करोड़ की डील क्विक विंडो में हो जा रही है, तो बैंक के पास क्यों जाएंगे सर, अभी तो कैपेक्स ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि डेट इज अ मोर टैक्स एफिशिएंट ऑप्शन टू फाइनेंस कैपेक्स नंबर 1, क्योंकि इक्विटी में अगर आप निवेश करेंगे उस पैसे को आपको पोस्ट टैक्स ही डिविडेंड्स उठा सकते हैं प्रमोटर्स या ओनर्स ऑफ द शेयर्स, वेयर एज टैक्स
कटवाने के बाद वो इंटरेस्ट का कॉस्ट लेने के बाद, तो ऑलवेज एक प्राइवेट सेक्टर सोचिए जितना हो सके उसकी रेटिंग को बिना अफेक्ट किए हुए कितना वो बोरोइंग के थ्रू कैपेक्स को फाइनेंस करता है वो ही वो ट्राई करेगा, नंबर वन। नंबर टू बात ये भी है कि एक प्रोजेक्ट में जब तक की प्रोजेक्ट कमीशन नहीं होती तो इंटरेस्ट कॉस्ट होता है वो कैपिटलाइज होता है, कैश में पे करते हैं मगर इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखता है, तो ईपीएस अफेक्ट नहीं होता है। सर सुनील सर, प्रॉब्लम तो यही है आपकी और टैक्स वाला एप्लीकेशन ठीक है, फिनमिन भी मानती है कि डिमांड पिकअप नहीं कर रही है, प्रॉब्लम होगी कैपेक्स आए कैसे जब डिमांड नहीं दिख रही मेरे को, तो शॉर्ट टर्म में मैं प्रॉब्लम मानता हूं जब तक हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% पार नहीं करती प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स तेजी नहीं पकड़ेगी, तो ये शॉर्ट टर्म में ये दिक्कत है। ओके, मैं कह रहा हूं कि उस दिक्कत दाम में है, मेरा क्या है कि द न्यूज इज इन द प्राइस, जब अननोन क्या है कि ये फ्यूचर ब्राइट स्टोरी अननोन है, तो आप मैं कंसिस्टेंटली इस बैड न्यूज के टाइम में और फाइनल पॉइंट मैं कहूंगा, आप ही ने इसको उठाया था कि मेरे ख्याल में डोमेस्टिक फ्लोस जो है वो मार्केट के लिए रॉक लाइक सपोर्ट है, मगर मार्केट को उठाने वाली चीज है एफआईआई का रुझान, जब एफआईआई का इंटरेस्ट इंडिया में बढ़ेगा, और उसके लिए मैंने कहा ना यूएस की स्लो रेट कट की साइकिल और डॉलर की वीकनिंग साइकिल के कारण एफआईआई की फ्लोस इंडिया में बढ़ेंगे, तो लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स में सबसे बड़ा एलोकेशन है बैंकिंग सेक्टर का, और पैसिव फंड्स जब आते हैं उनको चॉइस नहीं है, जितना इंडेक्स में एलोकेशन है उतना बैंकिंग स्टॉक वो खरीद ही डालेंगे, तो वो सपोर्ट बैंकिंग को मिलेगा। पंकज जी, आर यू इंटरेस्टेड इन बैंकिंग स्टॉक्स? नीरज जी, मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है, अगर हम अगले अगर हम हमारे हम हमारे भी काफी सारे मित्र हैं जो अच्छे बैंकर्स हैं या जिस तरह का रुझान हम देख रहे हैं, रादर मैं कमेंट भी पढ़ रहा था प्रेस में काफी सीनियर बैंकर से कि भाई आपकी दिक्कतों का समाधान क्या है, आपके पास डिपॉजिट नहीं आ रहा, आरबीआई आपको पुश कर रही है, गवर्नमेंट आपको पुश कर रही है कि कुछ इनोवेटिव करो, डिपॉजिट रेट बढ़ाओ, तो उनका एक सिंपल सा आंसर था वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग कि कहां पर स्टॉक मार्केट में एक सीरियस करेक्शन आए, मैं क्रैश वर्ड नहीं यूज कर रहा, कि सीरियस करेक्शन आए और वापस रुझान डिपॉजिट्स की तरफ आ जाएगा। आई थिंक दैट इज नॉट द बेस्ट केस सिनेरियो, ना ही कोई होप कर रहा है ना ही गवर्नमेंट उस चीज के लिए प्रे कर रही है, और मेरे को ऐसा लग भी नहीं रहा अभी, और मेरे को ऐसा लग रहा है विद ड्यू रिगार्ड्स टू माय को पैनलिस्ट कि अभी अगर हम अगले 3 महीने 6 महीने 9 महीने की बात करें या फाइनेंशियल ईयर जो करंट वर्ष चल रहा है उसकी बात करें, मेरे को नहीं लगता कि बहुत सीरियस पॉजिटिव यू टर्न बैंकिंग सेक्टर को विज़ोविज़ इक्विटी परफॉर्मेंस मिलने वाला है। डीप चैलेंजेस हैं उनको डिपॉजिट ग्रोथ के लिए, और अगर हम एक एक्सपेंशन भी देखें, आई थिंक प्राइवेट और गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन नहीं आ रही है, जिस तरह का क्रेडिट ग्रोथ आ भी रहा है तो आई थिंक वो रिटेल से आ रहा है, कंजम्पशन से आ रहा है, उसमें गवर्नमेंट और बैंक को उसमें भी चिंता है कि कहीं उसमें जाके आगे जाके एनपीएस बढ़ ना जाए, तो ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि बैंकिंग सेक्टर एज सच इज अ अवॉइडेबल सेक्टर, और जिस तरह मैं कह रहा था कि मार्केट में सीरियस चर्निंग हो रही है एंड यू हैव टू बी एट द राइट प्लेसेस अगर आपको मार्केट की आउट परफॉर्मेंस चाहिए, और अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी शेयर से, फार्मास्यूटिकल शेयर से, हेल्थ केयर रिलेटेड हॉस्पिटल शेयर से, या न्यूएस्ट स्टॉक जिस तरह से उभर के आए हैं दोबारा, आई थिंक टेलीकॉम एलआई टू टेलीकॉम एनर्जी, आई थिंक दीज आर द काइंड ऑफ सेक्टर्स जो मेरे को लग रहा है कि परफॉर्म कर रहे हैं, और जो स्ट्रक्चर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, डिफेंस पीएसयूज, रेलवे पीएसयूज, बैंकिंग आई थिंक उसके अंदर है, मेरे को लग रहा है कि जिस तरह से एक फाइनेंशियल चर्निंग साइकोलॉजी चेंज हुई है ये 20 से 40 वर्ष के युवाओं में, आई थिंक फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसकी गवर्नमेंट बात कर रही थी वो अब आ गई है, और वो कहां पर जाके थमाव आएगा वो देखने वाली बात है। रिसेंटली डाटा आया था कि क्लोजर टू 50% एफडी जो लॉन्गर टर्म एफडीज है, इंडिविजुअल एफडीज है, वो सीनियर सिटीजन से आ रही है। सो आई थिंक एक काफी सीरियस एक डेमोग्राफिक एक साइकिक चेंजेस हुए हैं विज़ोविज बैंक डिपॉजिट्स, और बैंक के पास अगर सीरियस डिपॉजिट्स ही नहीं है तो क्रेडिट ग्रोथ जो क्वालिटी क्रेडिट ग्रोथ है आसानी से देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरा मानना है कि ये चैलेंजेस अभी बरकरार हैं और अगले 3 से 6 महीने कम से कम आई एम नॉट सीरियसली इंटरेस्टेड इन बैंकिंग स्टॉक्स। टक्कर सर, 5 से 6% नेट ऑफ टैक्स के रिटर्न में एक साल के लिए कौन पैसा लगाएगा आज के जमाने में? आपकी वो बात बिल्कुल जायज है, आई थिंक वही रीजन है कि जो आज का न्यू जनरेशन है वो बैंकों में पैसा रखना पसंद नहीं करते, वो म्यूचुअल फंड में जहां पे रिटर्न
अभी जो अच्छी आ रही है, नॉर्मली एक कोई भी अच्छी म्यूचुअल फंड में अराउंड 14-15% रिटर्न मिल जाती है, या फिर इवन चाहे वो रियल एस्टेट है या दूसरे एवेन्यूज हैं, उनको लगता है कि शायद पैसा बैंक में रखना कुछ फायदेमंद नहीं है, क्योंकि रिटर्न जैसे आपने बताया 5-6% पोस्ट टैक्स जो रिटर्न है वो लो है। आई थिंक इसी वजह से ये एक रीजन है बैंक्स आई थिंक जो सरकार से और आरबीआई से भी कह रहे हैं कि हमें जो बैंकों के जो बैंक डिपॉजिट्स हैं उसके ऊपर हमें कुछ टैक्स बेनिफिट देने पड़ेंगे, ताकि वो जो बाकी जो उनके कॉम्पिटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो स्मॉल सेविंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके बराबर की जब तक मतलब उसके बराबर शायद फिर भी नहीं दे पाए, बट एटलीस्ट उससे कुछ हद तक वो उसको मैच कर पाएंगे, ताकि वो कन्विंस कर सकें अपने डिपॉजिटर्स को कि आप पैसा बैंक में रखिए। उसमें यही था कि कुछ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पे जो टैक्स बेनिफिट है वो कुछ सबको डिपॉजिट में मिलना चाहिए, ताकि जो उनकी पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो थोड़ी बढ़ के 7-8% हो जाती है, तो फिर आदमी को लगता है ठीक है अगर इन्फ्लेशन मेरी 6% चल रही है और मुझे बैंक से रिटर्न 8% आ रही है तो एटलीस्ट आई एम सेविंग समथिंग। अभी जो रिटर्न है बैंक डिपॉजिट पे वर्चुअली वो नेगेटिव रिटर्न हो जाती है, कि इन्फ्लेशन को अगर अकाउंट फॉर करते हो तो आपको कुछ मिलता नहीं है, तो इसलिए कोई पसंद नहीं कर रहा। एक्सेप्ट जैसे अभी पॉइंट आउट किया गया कि जो रिपोर्ट आई है रिजर्व बैंक की 47% ऑफ डिपॉजिट सीनियर सिटीजन के हैं, क्योंकि वो थोड़े से वो रिस्क अवर्स होते हैं, उनको लगता है कि हमारा बैंक में पैसा सेफ है, तो वो बैंक के अंदर ही मतलब चाहते हैं कि पैसा रहे, और डिपॉजिट इंश्योरेंस भी होती है तो उनको ये काफी हद तक कम्फर्ट रहता है। और सरकारी बैंकों में तो आप कह सकते हैं कि आपका चाहे डिपॉजिट इंश्योरेंस पूरा कहने को 5 लाख है, बट आज तक अभी तक कोई बैंक या सच कोई फेल नहीं हुआ, तो उस हिसाब से ये मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अब अभी भी इससे बेटर कोई सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट वो पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑब्वियसली यस इशू है, उसके लिए आई थिंक शायद सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। अच्छा सुशांत जी, बहुत संक्षेप में आपका इक्विटी पर्सपेक्टिव से बैंक सेक्टर कैसा लगता है आपको? देखिए इक्विटी से पहले मैं छोटा सा एक ग्लिम्स दूंगा, आप देखिएगा थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि इंडिया शुड फॉलो द ग्लोबल बैंकिंग मॉडल। जैसे कि आपने देखा होगा यूएस एक ग्लोबल करेंसी छपाता है डॉलर, बार बार इन लोग पब्लिश कर सकते हैं, कभी इन्फ्लेशन आए ऊपर नीचे कर सकते हैं। इफ यू लुक एट इट एज एल्डरली फादरली फिगर, जेपी मॉर्गन बैंक बाकी सारे बैंक की सीईओ को थोड़ा सा एडवर्स सिचुएशन में संभालता है इफ यू लुक एट द यूएस इकोनॉमी। सिमिलरली जो हमारे जो कोर प्लेयर है इफ यू लुक एट द एसबीआई एचडीएफसी आईसीआईसीआई, इनको एक कंसोलिडेटेड करके दे शुड टेक केयर ऑफ द मिड साइज बैंक एंड अदर बैंक्स इनपुट्स। कमिंग बैक टू द आपने बैंक शेयर्स की बात की तो आई एम बुलिश अबाउट इट, क्योंकि जैसे भी बोलिए लिक्विडिटी की इशू इंडिया में नहीं है, बैंक डिपॉजिट्स में इशू हो सकता है, आपने बहुत बड़ा नंबर अच्छी तरह से बोला बजाज कैपिटल के बारे में, लेकिन इफ यू लुक एट द लिक्विडिटी जब तक रहेगा शेयर मार्केट की वैल्यूएशन जब तक बरकरार है वो तो चलता रहेगा। बट वी नीड टू फॉलो सम ग्लोबल इकोनॉमिक क्लूज जो हमारी यूएस बोलिए या फिर ग्लोबल से जो हम लोग थोड़ा सा फॉलो करके इंडिया में कर सकते हैं उसको, एंड आई एम बुलिश अबाउट इट, क्योंकि आगे मैं देख पा रहा हूँ कि आगे बहुत सारे जगह में हमारी बैंकिंग शेयर आगे ही गया, पीछे नहीं हटने वाला, बहुत आगे जाएगा ये, एंड आई एम बुलिश अबाउट इट, वी इन्वेस्ट हैविली ऑन द बैंकिंग शेयर्स। नहीं वो तो ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म हम सब लोग बुलिश ही रहते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो यही थ्योरी थे। अच्छा एक मिनट को 10 सेकंड का जवाब चाहिए सुनील जी से। सुनील सर, 30-40-45 साल पहले क्या यूएस में भी ऐसे ही ट्रांजिशन से बैंकिंग सेक्टर गुजरा था? करेक्ट, 40-50 साल पहले यूएस भी एक लेंडिंग मार्केट था। बैंकर्स डिपॉजिट्स के लिए चेस करते थे क्योंकि फाइनेंस करने के लिए पैसा की जरूरत थी। फिर धीरे धीरे उधर जो प्राइवेट कैपिटल मार्केट्स, डेट कैपिटल मार्केट्स की डेवलपमेंट हुई और बैंक्स में भी रियलाइज किया कि डिपॉजिट रेट्स को आप लॉक इन करते हो एक टेनर के लिए, मगर कॉर्पोरेट की लेंडिंग की रेट्स तो एसेट लाइबिलिटी का टेनर का मिसमैच हो रहा था, तो बेस्ट वे टू सॉल्व दैट वाज ओबीडी, ओरिजिनेट बुक डिस्ट्रीब्यूट, यानी सोर्स करो लोन को, इनिशियली बुक करो उसको और डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सेल डाउन कर दो सेक्युरिटाइजेशन ऐसे थ्रू। तो ये मॉडल पिछले 30-40 साल में आया और मार्केट ऑलमोस्ट उसी तरह है। जी भारतीय जो बैंकिंग सिस्टम है ना उसमें भी हमें लगता है कि बहुत निम मैक्सिमाइज करने का मोह छोड़ना पड़ेगा, रेवेन्यू
मैक्सिमाइजेशन के और तरीके ढूंढने पड़ेंगे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि पंजाब नेशनल बैंक ने 625 करोड़ रुपए खाली इस बात में कमा लिए कि आपने अपने बैंक में मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन किया। गजब है मतलब यार। तो ये एक दौर है जो ट्रांजिशन का दौर कहते हैं इसको, गुजर रहा है। इज दैट नंबर करेक्ट? इट्स सच अ बिग नंबर, 633 करोड़ सर। तो एनीवे खैर, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन इकॉनमी और बैंकिंग को एक साथ जोड़ के देखें तो बहुत पोटेंशियल यहाँ पे अभी भी दिखाई पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से, सर 5 सेकंड सिर्फ मेरे को ब्रेक लेना है जी, 5 सेकंड में, क्योंकि बहुत आपने कंट्रोवर्शियल टॉपिक को चुना और मल्टीपल व्यूज आए। मैं कहूंगा कि मैं दोनों से सहमत हूँ, पंकज जी से, कि 3 से 9 महीने तक बैंकिंग में निवेश नहीं करना, मगर मेरे दोस्त एसके वेंचर्स की बात की ना कि लॉन्ग टर्म में बुलिश हो, दोनों सही है, वही मैं भी कह रहा था। ओके, 9 महीने की व्यू नहीं दे रहा था सर, कोई टक्कर सर भी लॉन्ग टर्म में बुलिश है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था इस हफ्ते का आवाज़ अड्डा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।